वेलकम टू यूट्यूब चैनल सहयोग टीवी। आई एम हलदेव चतुर्वेदी विथ अ न्यू सेगमेंट ऑफ नॉलेज दैट इज C3 विच स्टैंड्स फॉर कैच कैटेगराइज केयरफुली। हियर आई शैल हैव टू क्वेश्चंस, वन इज इन इंग्लिश एंड अनदर विल बी इन हिंदी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस C3 नॉलेज प्रोग्राम टिल लास्ट एंड देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू मे वॉच माय न्यू वीडियोस रेगुलरली। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन इंग्लिश, व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ? सो आंसर इज हियर, लाइक एन ओनियन द अर्थ हैज सेवरल लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर द अर्थ्स क्रस्ट हैज एन एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 40 किलोमीटर एज कंपेयर्ड विद द डायमीटर ऑफ द अर्थ विच इज अराउंड 12,700 किलोमीटर। The Earth's crust is very small. It is primarily made up of solid rocks. Below the crust is the mantle, reaching to a depth of about 2,900 kilometers. Due to the heat inside the Earth, the mantle consists of solid and molten rocks. Below the mantle is the core, made up of iron and nickel. The deeper one travels inside the earth, the hotter it is. The temperature in the core between 4000 and 5000 degree Celsius. हिंदी में प्रश्न है, पेट में अल्सर क्यों हो जाते हैं? पेट हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसे अमाशय भी कहते हैं। इसके मुख्य रूप से दो कार्य हैं, भोजन के लिए गोदाम का काम करना और उसे पचाना। भोजन को पचाने के लिए पेट से तीन प्रकार के रस पैदा होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं का विनाश करता है, म्यूकस पेट की आंतरिक सतह की रक्षा करता है और उसे चिकना रखता है। एंजाइम भोजन को पचाने का काम करते हैं। एक सामान्य पेट में 1 लीटर भोज्य पदार्थ आ सकता है। कभी कभी पेट में अधिक रस बनने लगते हैं, जिनके कारण पेट में बेचैनी और जलन महसूस होने लगती है। भावुकता, भय, क्रोध, तनाव आदि के कारण पाचक रसों का निर्माण अधिक होने लगता है। अधिक मसाले वाले खाद्य पदार्थों से भी ये रस अधिक बनते हैं। सिगरेट, शराब, कॉफ़ी, चाय आदि से भी इन रसों का निर्माण अधिक होता है। जब ये रस बहुत अधिक मात्रा में बनने लगते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट की आंतरिक सतह पर प्रभाव डालने लगता है। आंतरिक सतह पर घाव होने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं घावों को पेट का अल्सर कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ नमस्कार।